हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम को टाइम टेबल में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा दिसंबर, किसका रहेगा साथियों? दिसंबर 2018 का रहेगा साथियों, वो भी आपका SST। किसका रहेगा साथियों? SST का रहेगा साथियों। और पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों, और PYQ रहेगा साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया आपका वायु गति दर्शन यंत्र का प्रयोग डेस मापने में किया जाता है साथियों। तो ये जो किया जाता है आपका वायु की दिशा के लिए किस किया जाता है? तो वायु की दिशा के लिए किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया आपका वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन से रेडियो तरंगों के संचार में मदद करता है साथियों? रेडियो तरंगों का संचार बोला गया, तो आपका हो जाएगा साथियों वायुमंडल। कौन सा मंडल साथियों? वायुमंडल। ये बीच का होता है, सबसे ऊपर का अगर मंडल पूछ देगा तो आपका बहिर्मंडल सबसे ऊपर होता है, लेकिन आपका रेडियो प्रसारण होता है आपका वायुमंडल में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, बोला गया है आपका पृथ्वी के क्या है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आंतरिक जो हो जाता है साथियों आपका सबसे पहले होगा आंतरिक करोड़ हो जाता है। देखिए आपका सबसे पहले हो जाएगा आंतरिक करोड़, क्या आंतरिक करोड़, उसके बाद हो जाएगा साथियों आंतरिक करोड़ के बाद हो जाएगा बाहरी करोड़ हो जाएगा, उसके बाद हो जाता है, उसके बाद आपका मेंटल होगा, उसके बाद भूपट्टी होगा साथियों। ये बता रहे हैं साथियों आंतरिक करोड़, बाह्य करोड़, और उसके बाद आपका मेंटल, उसके बाद मेंटल होगा, उसके बाद आपका भूपट्टी मेंटल होगा साथियों। भूपट्टी यहाँ गलत दे दिया, आंतरिक हो जाएगा, उसके बाद बड़ा होगा, बड़ा करोड़ हो जाएगा, उसके बाद मेंटल यहाँ जाएगा और भूपट्टी यहाँ आ जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया साथियों, तो पृथ्वी क्या साथियों? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के स्थान को ध्यान से देखना है। तो ये जो आ रहा है साथियों आपका जो होगा ये आपका निम्न ज्वार का संकेत है। अगर आपका जो मून है चंद्रमा अगर यहाँ पर रहता, यहाँ पर साथियों चंद्रमा, तो आपका जो है उच्च ज्वार आता साथियों, इसलिए आपका निम्न ज्वार कौन सा साथियों? आपका निम्न ज्वार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों, क्या बोला गया है? तो जब नदी मैदान में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाती है और बहते हुए बड़े मोड़ बनाती है जिसे डजदेश के रूप में जानते साथियों, विसर्प के रूप में, किसके रूप में जानते साथियों? बड़े मोड़ के बना लेती है, तो हम लोग जानते हैं विसर्प के रूप में जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है आपका, जो बोला गया अधिकांश दुर्गम क्षेत्र में और आपदाओं के समय लोगों के बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं के वितरण करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा साथियों? आपका वायु मार्ग सबसे बेहद उपयोगी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट साथियों, तो भूगोल की वह शाखा जो किसी विशेष मानव जनसंख्या की रचना संबंधित साथियों, मानव जनसंख्या बोल दिया, तो आपका जनसांख्यिकी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया आपका, अरुणाचल प्रदेश में लगभग दो घंटे बाद गुजरात में सूर्यास्त होता है, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में अधिक अक्षांश पर है, ये बात भी आपको सही है, ए और बी दोनों सही है साथियों, अब व्याख्या भी आपका कर जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो वह बोला गया है एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन को निम्न में से किस रूप में जानते हैं साथियों? टैंकों या तालाबों में जो प्रजनन होता है मछलियों का, उसको हम लोग जानते हैं पीसी कल्चर के रूप में जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया, दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक सकरा पट्टी को डाइजेस्ट के नाम से जानते साथियों, तो आपका स्थल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है साथियों? तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शामिल है,
तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान शामिल है साथियों, आपका इतिहास हो जाएगा, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया अज्ञातमक अधिगम निम्नलिखित में से किसका विरोधाभास है साथियों, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, एक्सपोजिटरी शिक्षण का विरोधाभास है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, एक नंबर बोला गया है आलोचनात्मक सोच सिद्धांत अनुप्रयोग और विचारों के वितरण को बढ़ावा देता है, सही बताया, एकदम 100% सही हो जाएगा। और उसके बाद बोला गया साथियों, यह दूसरे के तर्कों तथा मान्यताओं को समझने और उसका मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है, यह बात आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि ये दूसरे के तर्क और मान्यताओं को समझने और उसका मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है, नहीं दे दिया साथियों, इसलिए आपका करता है लेकिन नहीं दे दिया, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा और बी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो आपका अनुभव जन समक्ष था साथियों, तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, जानकारी वास्तविक दुनिया का क्या साथियों, आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि जानकारी वास्तविक दुनियाओं में इंद्रियों के मध्य से एकत्र करना आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया है। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, इसमें बोला गया था अनुभव जन साक्ष जो हो जाएगा आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि जीवन वास्तविक दुनिया में इंद्रियों के माध्यम से एकत्र करना, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है, तो भौतिक विशेषताओं में मॉडल प्रतिक्रियात्मक डिजिटल शिक्षण के बारे में साथ भौतिक बोला गया, तो आपका जो हो जाएगा भूगोल के बारे में, किसके बारे में बोला साथियों, आपका भूगोल के बारे में बोल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, बोला गया है तो स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार के स्रोत का उदाहरण साथियों, तो आपका माध्यमिक, किसके बारे में साथियों, माध्यमिक के बारे में बोला गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया किस प्रकार की कक्षा में अधिगम और क्षमता वाले बच्चा अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं साथियों, तो आपका जो हो जाएगा समावेशी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया साथियों क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया, सभी बच्चे की एक ही क्रम से गुजरते हैं लेकिन अलग अलग दरों पर, इसलिए शिक्षक को व्यक्तिगत बच्चे और छोटे समूह के लिए गतिविधियां की योजना बनानी चाहिए, ना कि केवल कक्षा के लिए। जो बात बोले थे आपका जीन प्याजे कौन बोले थे साथियों, तो ये बात आपका जीन प्याजे का साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया कक्षा में सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है, सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए साथियों छात्राओं को वाद विवाद और चर्चा में शामिल करना चाहिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया एक स्व निर्देशित और स्व अनुशासित चिंतन जो उच्चतम स्तर पर गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क बनाने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं साथियों, तो आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है अजंता की गुफाओं में पेंटिंग का प्रयुक्त रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त है साथियों, अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग हुआ था वो जो आपका हो जाएगा पौधा और खनिज का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है सबसे पहले पांडुलिपियों को किस पर लिखा गया था, ताड़पत्र पर लिखा गया, उसके बाद पत्थर पर लिखा गया था, तो सबसे पहले लेकिन पूछेगा तो आपको ताड़पत्र ही मारना साथियों। बोला निम्नलिखित में से कौन सा काल मानव इतिहास के बारे में सबसे लंबा पाषाण काल है, तो आपका पूरा पाषाण काल है 99% मानव का साक्ष्य यहीं से मिलता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है ये भी को पढ़ना है ध्यान से और कथन को सही करना है। बोला गया मेहरगढ़ क्या साथियों,
तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित था, सही बता सकते हैं। उसके बाद खेती और चरागाह के साक्ष्य यहीं से प्राप्त, खेती और चरागाह के साक्ष्य आपका यहीं से प्राप्त हुआ था, खेती और चरागाह के साक्ष्य, सही बता सकते हैं। आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी आपका दोनों सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए भी दोनों सही थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया साथियों, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य हड़प्पा हड़प्पा स्थलों का सबसे बड़ा, सबसे हड़प्पा स्थलों सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है साथियों। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो आपको गुजरात बोलना साथियों, कहाँ माना है, गुजरात में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, रिंग वेद को मूल रूप से किस भाषा में जानते हैं। रिंग वेद को लोग जान रहे हैं साथियों, रिंग वेद को मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था। रिंग वेद को जो रचा गया था साथियों, तो आपका संस्कृत में, रिंग वेद को आपका संस्कृत में रचा गया था, रिंग वेद को संस्कृत में रचा गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो छठे शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था साथियों। तो आपका जो पहला शासक हो जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा बिंबिसार। कौन है साथियों, तो बिंबिसार है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म के तीन रत्नों में से एक नहीं है, नहीं बोला गया है। तो आपका देखिए बौद्ध है, धर्म है, और आपका संघ है, संघ भी है साथियों, लेकिन आपका अहिंसा नहीं है साथियों। अहिंसा बौद्ध धर्म का नहीं है, अहिंसा जो दिए थे आपका जैन धर्म दिए थे, महात्मा महावीर स्वामी दिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य चुनता है। तो राज्यसभा सदस्य जो चुनता है साथियों, राज्यसभा सदस्य बोला गया, चुनता है आपका, तो आपका हो जाएगा साथियों विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं साथियों, आपका जो इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो आपका जो चुना जाएगा इसमें साथियों, जो हम बोल रहे थे वही सही हो जाएगा, विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक चुनता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया, निम्नलिखित भारत द्वारा सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई थी, भारत सरकार द्वारा साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा संसदीय और संघीय भारत सरकार द्वारा अपनाई गई थी सरकार की प्रणाली साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं, अनुसूचित जाति बोला गया, इसलिए आपका 84 हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का रहता साथियों, जनजाति अगर रहता तो आपका हो जाता 47, कितना हो जाता है 47 हो जाता साथियों। इसलिए आपका ये नहीं है, सिर्फ आपका अनुसूचित जाति बोला गया, इसलिए आपका 84 मानना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में अपदस्यता के अभ्यास का उल्लंघन किया जाता है आपका समानता का अधिकार हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, तो आपका जो नहीं हो जाएगा आपका संपत्ति के अधिकार नहीं होगा। क्या बोल सकते हो, संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इसको 300 के कॉमे रखा गया था, अनुच्छेद 300 के कॉमे हटा दिया, 44वां संविधान संशोधन हटा दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, अपदस्यता डेटस के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता साथियों। अपदस्यता जो होता है जाति के आधार, किसके आधार पर होगा साथियों, आपके जाति के आधार पर अपदस्यता के कारण बनता है विवाद साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री बोला गया, तो आपका राज्यपाल कौन करेगा साथियों, तो आपका राज्यपाल करेगा साथियों। आपका जो सेट है ये आपका हो जाएगा दिसंबर का, बोल सकते हैं दिसंबर 2018 का सेट है साथियों, SST किसका साथियों, तो SST पेपर 2 के लिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका केंद्र सरकार करता है, यानी राज्यपाल का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है साथियों, तो आपका प्रधानमंत्री का चुनाव करता है साथियों, आपका संसद के सदस्य प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया, निम्नलिखित कौन सा भारत के प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक बोल दिया है भारत का, तो आपको राष्ट्रपति माना है, किसको माना साथियों, राष्ट्रपति। अगर बिहार राज्य का अगर पूछेगा तो राज्यपाल माना, देखिए फिर आ जाएगा आपका आंसर, देख सकते हैं आप आ गया है। बोला गया भारत को किसको, भारत के राज्य का पहला नागरिक बोला गया, देखिए आ गया साथियों, इसलिए आपको यहाँ मारना है आपका राज्यपाल, क्या मारना साथियों, आपका राज्यपाल मारना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया, वर्तमान लोकसभा 2004 यानी 2018 की बात बोल रहा है, 2014 के बाद 2014
है साथियों वर्तमान में लोकसभा 2014 कौन सा है साथियों, तो आपका 16वीं लोकसभा था साथियों 2014 जो था साथियों आपका 16वीं लोकसभा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है साथियों, अभी वर्तमान अगर पूछ देगा करेंट में तो आपको मारना है द्रौपदी मुर्मू मारना है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका हो जाएगा इसमें रविन्द्रनाथ कह सकते हो रामनाथ कोविंद हो जाएगा साथियों, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर पूछेगा लाइव अभी करेंट में पूछेगा तो आपको मानना है द्रौपदी मुर्मू मानना चाहती हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है, कौन सा उल्लेख नहीं बोला गया साथियों, तो आपका जो हो जाएगा साथियों उल्लेख नहीं है तो आपका राजनीतिक दल का नाम कहीं उल्लेख नहीं दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है और 12 राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्या है साथियों, तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित कौन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बोला गया तो आपका राजेंद्र प्रसाद, कौन है साथियों आपका राजेंद्र प्रसाद हो गया, राजेंद्र प्रसाद जिसको बोलते साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो थे साथियों आपका सी राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर जनरल वो पूछ दिया तो इसलिए आपको सी राजगोपालाचारी माना, क्या मानना साथियों सी राजगोपालाचारी माना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखिए बोला गया है तो भारत के संविधान कब अपनाया गया था बोलिए इसलिए 26 नवंबर 1949 कब माना साथियों, 26 नवंबर आपको 1949 माना साथियों अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। बोला गया है भारत की रियासतों को एकीकृत करने का निर्णय की भूमिका निभाए थे साथियों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन दोनों थे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे साथियों, उसके बाद आपका बीपी मेनन भी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका देखिए बोला गया साथियों भारत के संविधान में समृद्धि सूची के मामले से संबंधित है साथियों, तो आपका केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाता है साथियों कानून। समृद्धि सूची अगर सिर्फ रहता संघीय सूची तो केंद्र सरकार, और राज्य सूची रहता तो राज्य सरकार। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान सभा में प्रारूप समिति बोला गया, इसलिए अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया अठारहवीं शताब्दी में बंगाल किसके अधीन धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से दूर हो गया साथियों, तो आप लोग जान रहे हैं आपका जो मुर्शिद कुली खां, क्या हो जाएगा साथियों मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण से धीरे धीरे दूर हो गया मुर्शिद कुली खां। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ने तय किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, और इसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ये जो बात बोले थे साथियों आपका लॉर्ड कैनिंग बोले थे साथियों। और उसके बाद अगर बोलेगा कि लाल किला से बाहर बसाने का बात बोल देगा तो आपको बनाना है लॉर्ड डलहौजी मारना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। लगा किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि अवध को गुमराह किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी, तो आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, कौन हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। इसी के कारण 1857 का भयंकर विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कह दिया था साथियों, तो आपका नाना साहब, कौन थे साथियों नाना साहब थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है फैक्ट्री विषय को सीखने के लिए सबसे अच्छा पद्धति होगा साथियों आपका फैक्ट्री के बारे में आपका सी हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक संयंत्र के लिए यात्रा का योजना करना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है ईडीयूएसएटी क्या है साथियों, तो सही बात है ये जो हो जाएगा आपका ये आपका हो सकता है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा छंदों और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया साथियों, तो कबीर का था, किसका था साथियों कबीर का, ये पंचवाणी और बीजक था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया एलोरा गुफाओं के भीतर चित्रित जिनमें विष्णु को नरसिंह के रूप में
दिखाया गया। किस काल की कलाकृति थी साथियों, तो ये राष्ट्रकूट का किसा साथियों, राष्ट्रकूट एलोरा की गुफा आएगा, समझ आएगा राष्ट्रकूट काल बनवाए थे साथियों। उसके बाद विष्णु की नरसिंह और नरसिंह के रूप में दिखाया गया था, तो आपको राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था साथियों एलोरा का गुफा। ये इस सेट का अंतिम सवाल है, बोला गया साथियों क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषदों में विश्वास करते थे साथियों, आपका ब्रह्म समाज उपनिषद में विश्वास करते थे साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करना साथियों। और ये जो सेट था आपका था साथियों, ये 2018 का, क्या साथियों, नवंबर 2018 का सेट था।